सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान T20 और वनडे सीरीज में बस कुछ ही दिन बाकी है, मगर इस दौरान ऐसी खबर आ गई है कि पाकिस्तानी भी शदीद गुस्से और हैरानी में मुब्तला हो जाएंगे। वीडियो में मजीद आगे बढ़ेंगे, मगर तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले हस्ब रिवायत तमाम दोस्तों से बस एक ही दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। श्रीलंका के 10 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का दौरा करने से साफ इनकार कर दिया है। इनकार करने वाले में बेस्टर सीनियर खिलाड़ी है। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए लंकन टीम का ऐलान किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट टीम के बेस्टर खिलाड़ियों का पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करने से साफ इनकार कर दिया है। जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार किया है, इनमें बेस्टर सीनियर खिलाड़ी है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने श्रीलंकन टेस्ट कप्तान विमुद कुरनार्तने, फास्ट बॉलर लसत मलिंगा, ऑलराउंडर एंजली मैथ्यूज समेत दीगर 9 खिलाड़ियों के दौरे से इनकार के बाद PCB ने क्रिकेट श्रीलंका से राबता किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट श्रीलंका से राबता किया ताकि बाई में सीरीज पर चाहे खदशात के बादल खत्म किए जा सके और श्रीलंका वजीर खेल फर्नेंडो पर भी मुकाबलों को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया गया। PCB जराये के मुताबिक तकनीकी तौर पर खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान में कायल करना क्रिकेट श्रीलंका का अंदरूनी मामला है, लिहाजा इस मामले पर ऑफिशियल बयान नहीं दे सकते। दोनों टीमों के मबेन बाहिमी सीरीज का आगाज 25 सितम्बर से होना है। इतलात के मुताबिक श्रीलंका के सीनियर प्लेयर महमूद कुरुनार्तने, लसत मलंगा और मैथ्यूज समेत दीगर खिलाड़ियों ने अहल खाना की जानिब से सिक्योरिटी को जवाब बनाकर पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया है। श्रीलंकन बोर्ड में एक तजिया भी सामने आई है कि अगर सीनियर खिलाड़ी दौरे पर नहीं जाते तो इनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। श्रीलंकन वजीर के फर्नेंडो क्रिकेट श्रीलंका के आला ऑफिशियल के साथ आज खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे ताकि इन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दिहाई करवा कर दौरे पाकिस्तान के लिए रजामंद किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाले सीरीज के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दें।